जादुई अनाज। जादुई अनाज। एक बार की बात है, एक किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। वे बहुत गरीब थे और मुश्किल से अपना जीवन यापन करते। उनके पास कई मुर्गियां थी जो उनके लिए हर दिन ढेर सारे अंडे देती। इसलिए वे न केवल अंडे खा सकते थे बल्कि उन्हें बाजार में लाकर बेच भी सकते थे। किसान रोज अपनी बेटी को लेकर बाजार जाता और अंडे बेचता। ताजे अंडे खरीदे, हमारी मुर्गियों के अंडे, ताजे अंडे। लोग आते और सारे अंडे खरीद लेते क्योंकि वे जानते थे कि वे ताजे और स्वादिष्ट हैं। उस पैसे से किसान और उसकी बेटी रोटी, सब्जी और जरूरी सामान खरीदते। वे हर महीने पैसे बचाने की भी कोशिश करते, लेकिन एक दिन मुर्गियों ने अंडे देना बंद कर दिया। हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्या करें? और किसान रोने लगा। उसकी बेटी ने अपने पिता को शांत करने की कोशिश की। रोइए मत पिताजी, शायद मुर्गियां दोबारा अंडे देने लगेंगी। थोड़ी देर रुकिए, हमारे पास अभी कुछ पैसे हैं, चिंता मत कीजिए। हाँ, तुम सही कह रही बेटी, तुम सही कह रही हो। लेकिन किसान दुखी नहीं हो सका। हर सुबह वो जाकर देखता कि क्या नए अंडे हैं, लेकिन मुर्गियां अंडे नहीं देती। किसान ने मुर्गियों से बात करने की भी कोशिश की, उन्हें कम से कम कुछ अंडे देने के लिए कहा। प्यारी मुर्गियां, कम से कम मेरी बेटी को खाने के लिए तू अंडे दे दो। लेकिन मुर्गियां उसे आश्चर्य से देखती। बहुत जल्द उनके सारे पैसे खत्म हो गए। किसान उदास हो गया। एक दिन वो बहुत बीमार हो गया। फिर उसने अपनी बेटी से पूछा, मेरी प्यारी बेटी, तुम बाजार जाओ और इन मुर्गियों को उचित दाम पर बेचकर पैसे घर ले आओ। तो लड़की चारों मुर्गियों को पकड़कर बाजार के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा। उसने उस लड़की को रोका और कहा, कहाँ जा रही हो छोटी बच्ची? मार्केट जा रही हूँ मुर्गियों को बेचने। मार्केट में मत जाओ, मैं तुम्हें चार मुर्गियों के लिए चार जादू के दाने दूंगी। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पिता ने मुझे पैसे लाने के लिए कहा था। ओह छोटी बच्ची, पैसे जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तुम क्या करोगी? पता नहीं, पर तुमने और तुम्हारे पिता ने अब तक सभ्य जीवन बिताया है, तुम्हें इसके बदले में अब इनाम मिलेगा। बस जादू में विश्वास करो, लेकिन ये तुमको तय करना है, या तो तुम बाजार जा सकती हो और कुछ पैसों के लिए मुर्गियां बेच सकती हो, या फिर ये जादू के चार दाने ले लो और उसके बाद देखो क्या होता है। लड़की झिझक रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे, लेकिन उसने एक आवाज सुनी जो उसे अनाज लेने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने अपने अंतर्ज्ञान का पालन करने और अनाज लेने का फैसला किया। ठीक है, मैं अनाज लूंगी। अच्छा फैसला। इतना कहकर महिला ने उसे चार दाने दिए और हवा में गायब हो गई। लड़की जब घर वापस आई तो उसने अपने पिता को आपबीती सुनाई। पिता थोड़ा चौंक गए। उसने पहले खोए हुए पैसों के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि उसे अपनी बेटी के अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए। अगले दिन पिता और पुत्री ने उन दाने को घर के पीछे जमीन में गाड़ दिए और एक सप्ताह में उन्होंने अनाजों से सोने के सिक्के निकलते हुए देखे। वे बहुत खुश थे और वे हमेशा समृद्धि में रहते थे और हमेशा गरीब लोगों की मदद करते थे। शिक्षा, अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। अपने जीवन के बुरे दिनों में कभी आशा ना खोएं और अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखना सीखें।